आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष ऊर्जा में। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए फरवरी का तीसरा हफ्ता कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं मीन राशि का राशिफल। यहाँ पर आप लोगों का एक बात जानना बहुत ज़रूरी है, जो हमारा दैनिक राशिफल होता है और जो हमारा साप्ताहिक राशिफल होता है वो चंद्रमा की गति के ऊपर निर्भर करता है। अगर चंद्रमा किसी बुरे घर में बैठा हुआ है, किसी बुरे ग्रह के साथ दृष्टि संबंध में है या किसी दुश्मन ग्रह के साथ युति में है तो वो दिन हमारे लिए बहुत ही संघर्ष वाले हो जाते हैं। और अगर वही चंद्रमा किसी मित्र ग्रह के साथ बैठा हुआ है और किसी मित्र घर में बैठा हुआ है तो वो दिन हमारे लिए बहुत ही अच्छे जाते हैं। इस प्रकार से चंद्रमा की गति और उसका भ्रमण ही निर्धारित करता है कि हमारे दिन किस प्रकार के जाएंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं 15 तारीख को चंद्रमा की स्थिति के बारे में। 15 तारीख को चंद्रमा आपके चौथे घर में विराजमान होंगे। चौथा घर चंद्रमा का अपना घर माना जाता है। यहाँ पर बैठकर चंद्रमा बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं, परंतु यहाँ पर कुछ सावधानियाँ भी रखनी पड़ेंगी क्योंकि शनि का दृष्टि संबंध चंद्रमा के साथ हो रहा है। शनि कर्म स्थान में बैठकर चंद्रमा पर संपूर्ण दृष्टि बनाए हुए हैं। शनि को पापकत्री ग्रह माना जाता है और जब चंद्रमा पर वो पूर्ण दृष्टि से देख रहे हों ऐसे में आलस का सामना ऐसे नेटिव्स को करना पड़ता है जिनकी कुंडली में ऐसा योग बनता है। शनि का ये योग आपके लिए थोड़ी बहुत समस्याएं भी पैदा कर सकता है। आपको अपनी माता की सेहत का भी यहाँ पर ध्यान रखना होगा क्योंकि चंद्रमा भी दूषित हो रहे हैं और कर्क राशि भी दूषित हो रही है। कर्क राशि पंचम घर में है और पंचम में राहु विराजमान है, जिसकी वजह से माता की सेहत को लेकर आपको चिंता बनी रह सकती है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, इस समय पर कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें क्योंकि शनि की दृष्टि है। इसकी वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट्स खराब जा सकती हैं, आपको कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए इस समय पर आप निर्णय लेने से पहले भी बहुत बार सोचें और उसके बाद ही अपना निर्णय लें। चंद्रमा की स्थिति चाहे बहुत अच्छी है, इससे आपकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, परंतु शनि के दृष्टि संबंध होने की वजह से आपको निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा आसानी नहीं रहेगी। आपको सोच समझ कर ही निर्णय लेने होंगे। बच्चों के लिए भी समय बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, उनका मन भी पढ़ाई में नहीं लगेगा। आगे की स्थितियाँ भी बच्चों के लिए अच्छी नहीं रहने वाली हैं। चंद्रमा की स्थिति 17 तारीख सुबह चंद्रमा 11 बजे पंचम घर में प्रवेश कर जाएंगे और राहु के साथ विराजमान होंगे। कर्क राशि भी प्रभावित हो रही है क्योंकि राहु कर्क राशि में विराजमान है, जिसकी वजह से दोनों ही स्थितियों में चंद्रमा खराब हो रहा है। चंद्रमा की आभा यहां पर लुप्त हो रही है, जिसकी वजह से यहां पर बच्चों के लिए समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस समय पर उनका मन भी पढ़ाई में नहीं लगेगा और डिस्ट्रैक्शन बनी रहेगी। इस समय पर राहु का उपाय बहुत जरूरी है यहां पर करना क्योंकि 7 मार्च तक राहु यहीं पर है, उसके बाद वो अपना राशि परिवर्तन करेंगे और चौथे घर में आ जाएंगे। इसलिए आप यहाँ पर राहु का उपाय ज़रूर करें। ऐसा करने से राहु शांति होगी और आपके मन को भी शांति मिलेगी। यहाँ से बैठे हुए दोनों ग्रह यानी कि चंद्रमा और राहु ग्रहण दोष बनाकर आपके आय के घर को भी देख रहे हैं, आपके इनकम हाउस को देख रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी आय में भी रुकावटें आएंगी। बिजनेस को लेकर भी आपको यहाँ पर चिंता बनी रहेगी। बिजनेस को ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आय में उतनी वृद्धि नहीं होगी। इसलिए इस समय पर भी आपको अपने डिसीजंस को थोड़ा कंट्रोल में करके चलना होगा। बहुत जल्दी जल्दी फैसले नहीं करें तो बहुत अच्छा है। जो लोग शेयर मार्केट से पैसा कमाते हैं, शेयर मार्केट का काम करते हैं या लॉटरी सट्टा ऐसे काम करते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां बहुत असमंजस वाली हैं। उन लोगों को या तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा या अचानक से कोई धन लाभ होगा, ऐसी स्थितियां यहां पर नज़र आ रही हैं। राहु अचानक देने वाला ग्रह माना जाता है, वो नुकसान भी हो सकता है और फ़ायदा भी हो सकता है। इसलिए आप बहुत ध्यान से इस समय पर अपने कोई भी निर्णय लें, कोई भी आप काम करें तो बहुत ही ध्यान से और सावधानीपूर्वक करें। यहाँ पर उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए जो लोग लव अफेयर्स में हैं, जिन लोगों के किसी रिश्ते में बंधने के चांसेस हैं या किसी रिश्ते में पहले से बंधे हुए हैं, ऐसे लोगों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। इस समय पर आपके रिश्तों में दरार आ सकती है, कोई ना कोई दिक्कत बनी रह सकती है, राहु आपको भ्रमित कर सकते हैं, आप गलत रिश्तों में भी पड़ सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए भी राहु यहाँ पर आपको परेशानी दे सकते हैं। इसलिए ग्रह स्थितियों को समझकर ही आप अपने रिश्तों को आगे बढ़ाएं, इस बात को समझकर कि आगे जाकर आपके लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। आगे बात करते हैं 19 तारीख के समय की। 19 तारीख सुबह चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करेंगे और 21 तारीख सुबह तक वो आपके छठे घर में रहेंगे। छठे घर में चंद्रमा का होना बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं, यहाँ पर भी आकर चंद्रमा अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। आपके कर्जे बढ़ सकते हैं, लोन बढ़ सकते हैं। अगर आप बिजनेस में ग्रोथ करना चाहते हैं तो आपने लोन इस समय पर ना लें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति इस प्रकार की है कि चंद्रमा कमज़ोर है। ऐसी स्थिति में लिया गया लोन आपके लिए आगे जाकर मुसीबतें खड़ी कर सकता है, इसलिए इस समय
पर लोन लेने के लिए बचें। छठे घर के चंद्रमा आपकी मानसिक स्थिति को कमजोर करेंगे। ऐसे समय में भी आपको कोई निर्णय नहीं करना है। जब मानसिक स्थिति कमजोर होती है तो उस समय पर निर्णय लिया गया हो तो वो सही साबित नहीं होता, इसलिए चंद्रमा की इस स्थिति को जरूर समझिए। ये पूरा हफ्ता ही आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रगलफुल है, इसे निकालिए। आगे आने वाला समय आपके लिए अच्छा होगा। आगे आने वाले समय में आपको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, इसलिए जल्दबाजी में इस समय निर्णय ना लें। छठे घर में बैठे हुए चंद्रमा ये दर्शा रहे हैं कि आपके शत्रुओं की संख्या में वृद्धि हो सकती है, आपके शत्रु सर उठा सकते हैं, परंतु आपके चंद्रमा की स्थिति इतनी भी ख़राब नहीं है, इसलिए आपको कोई नुकसान नहीं होगा। यहाँ पर ये स्थितियाँ जल्दी ही बदल जाएंगी। दो दिन के लिए अगर आप मौन रहते हैं, अगर आप बहस में नहीं पड़ते हैं, वाद विवाद में नहीं पड़ते हैं, तो स्थितियाँ आपकी फेवर में हो जाएंगी। चलिए आज के लिए इतना ही। आज हमने जाना मीन राशि के लिए किस प्रकार का रहेगा फरवरी का तीसरा हफ्ता। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें। आपके लिए यहाँ पर एक विशेष सूचना है, यहाँ पर ज्योतिष ऊर्जा की तरफ से टैरो ग्रुप शुरू किया जा रहा है। अगर आप भी टैरो सीखना चाहते हैं तो इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये ग्रुप उन लोगों के लिए शुरू किया गया है जो ऑनलाइन सीखना चाहते हैं। हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, आजकल तो सब लोगों के पास बहुत सारे गैजेट्स हैं, तो हम इस ग्रुप को इसीलिए शुरू कर रहे हैं कि ऑनलाइन आप घर बैठे सीख सकते हैं और आने जाने का खर्चा भी बच जाएगा। इसके साथ साथ आपका बहुत सारा पैसा भी बच जाएगा। आपके लिए बहुत नॉमिनल फीस यहाँ पर रखी गई है, आप इसे ज्वाइन कीजिए और घर बैठे ही टैरो सीखने का लाभ उठाइए।